नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। आज दिनांक 7 जनवरी 2023 को वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण कर्मचारी संघ जिला शाखा छिंदवाड़ा के अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन कार्य संपन्न हुआ। निर्धारित अवधि में मात्र एक नामांकन दीपक भारती द्वारा भरा गया। अन्य कोई नामांकन निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में दीपक भारती वन रक्षक पश्चिम सामान्य वन मंडल को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। निर्वाचन कार्यक्रम प्रांतीय अध्यक्ष कमलेश दोहरे, भूपेंद्र सिंह डोगरिया, राजेश बागडे, संजय उइके, पवन धेपे, राजकुमार मिश्र, अरविंद तांडेकर, अरुण बोडखे, संजय धुर्वे एवं अन्य लगभग 200 से अधिक कर्मचारियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। संवाददाता शुभम सहारे, छिंदवाड़ा। आज यहाँ पे मध्य प्रदेश वन्य प्राणी प्रदेशन का इलेक्शन होना था, इसके लिए हमारे प्रांत अध्यक्ष कमलेश दोहरे जी उपस्थित हुए। बीच में हमारे सभी साथियों को अपने उपस्थित हुए यहाँ पे रेन बसेरा में, और आज नामांकन प्रक्रिया करते हुए उनका निर्वाचन किया गया। इसमें मुझे निर्विरोध निर्वाचन करते हुए मुझे घोषित किया गया जिला अध्यक्ष, और साथ ही मैं सभी कर्मचारियों का धन्यवाद देता हूँ कि वो सभी लोग उपस्थित हुए, इसके साथ उनके साथ काम करने का मौका मिला मेरे को फिर से। और इसके साथ ही जो भी सरकार समस्या आएगी उसके साथ मैं उसका निराकरण करने की कोशिश करूँगा। अगर यहाँ से इस तरह से नहीं हो पाया उसके बाद मैं इसको प्रदेश सचिव पर पहुँचाऊँगा। और इसी साथ में मैं दीपक भारती। हाँ जी, आज छिंदवाड़ा जिले के जिलाध्यक्ष पद के निर्वाचन को लेकर आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, और उसमें विधिवत हमारे निर्वाचन अधिकारी राजकुमार मिश्रा जी ने चुनाव प्रक्रिया की, जिसमें दीपक भारती जी को निर्विरोध छिंदवाड़ा जिले के जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये कर्मचारियों का चुनाव था, पहली बार छिंदवाड़ा में निर्वाचन प्रक्रिया से जिलाध्यक्ष माननीय दीपक भारती जी बने, तो ये सबसे पहली बात तो उनको मैं बधाई देता हूँ। और अब जो छिंदवाड़ा जिले के कर्मचारियों की समस्याएं हैं वो दीपक भारती जी के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुँचाई जाएंगी, उनका निराकरण कराया जाएगा। और अगर जिले में वनमंडलाधिकारी महोदय द्वारा कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण नहीं होता है, हम प्रदेश में इन कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करेंगे, और प्रयास ही नहीं करेंगे बल्कि निराकरण कराएंगे, और जो भी समस्याएं हैं कर्मचारी की हम तत्काल उनका निराकरण कराने का प्रयास करेंगे।